गुरुदेव, जाहिर सी बात है कि अगर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो घर में बाकी दिक्कतें होंगी ही, बीमारी भी हो सकती है, बीमारी पर लगातार पैसा भी खर्च होगा। लेकिन हम कैसे उस लक्षण को पहचाने कि शनि की वजह से बीमारी हो रही है और हम उपाय कर लें, और क्या उपाय करें? बेटा, शनि जब भी बीमारी देगा वो देगा किस चीज़ की? वो बीमारी देगा आँखों की, वो बीमारी देगा समय से पहले बाल सफ़ेद होने की और बालों के झड़ जाने की। फिर वो बीमारी देगा कि आए दिन किसी न किसी जोड़ में या किसी न किसी तरह के नसों में कोई ना कोई दर्द पैदा करके रखेगा। अचानक पेट में तकलीफ, जबकि पेट मंगल है, लेकिन शनि खराब हो तो मंगल को भी खराब करता है, तो पेट में किसी न किसी तरह की तकलीफ वो बना के रखेगा। आए दिन कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा करेगा कि जिससे भी चलने फिरने में भी आपको दिक्कत महसूस हो। और ऐसे में बेटा, ये शनि अगर बेहद ज़्यादा खराबी पे आ गया तो फिर ये नासूर किसे बोलते हैं बेटा, ऐसा कोई ज़ख्म जिसको ठीक होने में बहुत ही अरसा लगे या ठीक ही ना हो पा रहा हो, बार बार ऐसे और फोड़े फिंसियाँ होना, बेटा ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सारी बीमारियाँ शनि की दी हुई बीमारियाँ हैं। और जब भी कभी ये बीमारियाँ आ जाएं, उस वक्त में एक उपाय करना बेहद ज़रूरी होगा, और वो उपाय क्या है? 10 साबुत बादाम और 1 नारियल पूजा वाला लेकर के 43 दिन लगातार या तो जल प्रवाह करें और या गरीबों में दान दें, क्योंकि ये शनि और राहु दोनों को इकट्ठा यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होगा। फिर मंगल भी खराब हो चुका होता है ऐसी अवस्था के अंदर, तो ऐसी अवस्था में हर मंगलवार को भी मिठाई बांटना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये उपाय करो बेटा, चाहे नासूर हो, चाहे बाल गिर रहे हों, या आँखों की दिक्कत आ चुकी हो, या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या नसों में दर्द हो रहा हो, बार बार बेटा इन सारी मुसीबतों से ये 2 उपाय ही आपको छुटकारा दिला के आपको सुख देने का काम करेंगे।